मैं हूँ गिरिराज शर्मा। आत्मनिर्भर भारत के बेरोजगार युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की कर रहे हैं तैयारी। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के इस दौर में क्रांति का एक नया रूप सामने आया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बार बेरोजगार युवा सड़कों पर भी आ गया है। 11 सितंबर से सोशल मीडिया की दुनिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। सोशल मीडिया पर पहली नजर डालने पर यह समझ में आता है कि देश के अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी और विद्यार्थी इस हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं और सामूहिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। विश्वगुरु बनते भारत के युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के इतना गुस्सा है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्टर वायरल हो रहे हैं। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराकर युवाओं को कह रहे हैं आई एम सॉरी बाबू, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था एक दिन रेलवे स्टेशन ही बेच देगा, ये कौन जानता था। देश के स्टूडेंट्स की मांग है कि उन्हें रोजगार दिया जाए, परीक्षा समय पर हो, रिजल्ट समय पर आए और रिजल्ट आ जाए तो ज्वाइनिंग भी समय पर मिले। हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ ट्विटर पर तरह तरह की बातें युवा रख रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है कि सोती हुई सरकार को जगाना है, उसके कानों तक अपनी बात पहुंचानी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों के सामने उनकी मांगे आ सकें और वो उनकी आवाज को सुन सकें और उस पर अपना ध्यान आकर्षित करें और लोगों की आवाज को सुनकर उनका जवाब दे पाए। तीस अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की तो भाजपा पार्टी के YouTube चैनल पर लाखों की संख्या में युवाओं ने डिसलाइक किया और कमेंट में अपने गुस्से को भी जाहिर किया। युवाओं का साफ संदेश था कि सरकारी भर्तियों की ओर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए। युवाओं में इस बात को लेकर के नाराजगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में कुत्तों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन देश के युवा के लिए रोजगार के नाम पर कोई जिक्र नहीं था। रेलवे और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने 1 सितंबर 2020 को सोशल मीडिया पर हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट ट्रेंड कराया और इतना ट्रेंड हुआ कि दुनिया के टॉप 3 में आ गया, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन एसएससी ने इसको लेकर के जरूर कहा कि जो महीनों से रिजल्ट अटका पड़ा है उसकी संभावित तारीखें जारी कर दी, लेकिन छात्रों में अभी भी इसको लेकर के गुस्सा है क्योंकि ये तारीखें संभावित ही हैं, इसलिए छात्रों का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। पांच सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस, इस दिन छात्रों ने ट्विटर पर हैशटैग 5:05 ट्रेंड कराया। लोगों का उद्देश्य था कि इस दिन 5:05 जहां पर भी युवा है ताली और थाली बजाएं। ताली और थाली इतनी जोर से बजी कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी गई। इन परीक्षाओं में लगभग 2,40,00,000 विद्यार्थी एग्जाम देंगे, हालांकि ये अभी भी आश्वासन ही बना हुआ है। नौ सितंबर को ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग 9:09। इसमें युवाओं ने अपील की कि 9:09 तक मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं या फिर मोबाइल की लाइट जलाएं। मांग एक ही थी कि सरकार को रोजगार देना है, सरकार से रोजगार मांगना है। देश के युवाओं में अर्थव्यवस्था और जीडीपी को लेकर के भी बेहद गुस्सा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जीडीपी दिख रही है और अमित शाह कह रहे हैं कुएं की तरफ झांक कर कि नहीं दिख रही है। 1 सितंबर से लेकर के अब तक स्टूडेंट सोशल मीडिया पर जो मुहिम चला रहे हैं उसका कुछ सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है।
क्योंकि SSC और RRB ने कुछ एग्जाम्स की तिथियां घोषित कर दी हैं। लेकिन ये मात्र एक आश्वासन न रह जाए, इसके लिए युवा कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। इसी दिशा में 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है देश के आत्मनिर्भर भारत का बेरोजगार युवा। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।